नमस्कार। हमारे यहाँ हेम गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में होश और आबाद होंगे। तो अल्लाह का अब शुक्र है, हम भी अपने घरों में ठीक ठाक हैं, हैफियत से हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज अपने किचन में क्या बना रही हूँ। अपने किचन में बना रही हूँ बीफ खड़े मसाले वाला गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाला बीफ खड़े मसाले वाला गोश्त है। तो चलिए सिंपल सी रेसिपी की चीज़ें आपको बता देती हूँ। इधर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है, इसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया है। तो साथ ही इधर हसबे ज़रूरत मैंने लहसुन अदरक कूट लिया है, तकरीबन 3 चम्मच के करीब लहसुन होगा और 2 चम्मच इस अदरक होगा जिसे मैंने कूट लिया है। 3 से 4 अदद टमाटर हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्च हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें भी मैं रफली चॉप कर लिया है। इधर मसाले हैं, ये खड़े मसाले वाला गोश्त है तो इसमें साबुत मसाले जाएंगे। अनारदाना ले रही हूँ मैं इधर, अनारदाना मैंने धो लिया है अच्छी तरह। अनारदाना बहुत गंदा होता है तो इसे धोना बहुत ज़रूरी है। 2 चम्मच मैंने अनारदाना ले लिया है। 2 चम्मच ये साबुत सूखा धनिया है। गोल मिर्चें जाएंगी, ये भी मैंने हसबे ज़रूरत तकरीबन 10 से 15 ले ली हैं। साथ ही 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच के करीब हल्दी है और 2 लौंग है, 2 दालचीनी है। तो इसमें साबुत मसाले जाएंगे। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए अपनी सिंपल सी और मज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो एक मैंने बर्तन ले लिया, उसमें मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के तो गोश्त ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, साथ ही मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी। इनको अच्छी तरह हम पका लेंगे। तकरीबन आधा गोश्त हमारा गल जाए तो बाकी फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। अभी कुछ भी नहीं डालना, अभी मैंने बस लहसुन अदरक और प्याज डाला है। तो मैं अब इसे तकरीबन 20-25 मिनट पका लूँगी ताकि गोश्त हमारा आधा गल जाए तो बाकी जो है ना हम बाकी सारे मसाले डाल के तो गला लेंगे। खड़े मसाले वाला गोश्त है तो मसाले पहले नहीं डालने, तकरीबन आधा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम बाकी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं इसे कवर करके रख देती हूँ, तकरीबन 20 मिनट इसे पकने देते हैं तो बाकी फिर बाद में हम मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं गलते हुए गोश्त को, तो गोश्त बिल्कुल गल गया। देखिए पानी भी खुश हो गया। इस स्टेज पे आके मैं ऑयल डाल दूँगी, ऑयल डालूँगी हसबे ज़रूरत। इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी, सूखा धनिया है, अनारदाना है और नमक, हल्दी, गोल मिर्ची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सारे मैं मसाले ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर 3 अदद टमाटर थे और हरी मिर्चें डाल दी हूँ, तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो इनको मैं मिक्स करके तो ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी ताकि जो है ना टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाए। साथ ही फिर मैं पानी थोड़ा खुश करके तो इन्हें भून लूँगी, तो उसे मैं कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लूँगी जिससे हमारे टमाटर गल जाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो इसे मैं अब कवर करके पकाती हूँ। तो देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं, तकरीबन मैंने इसे कवर करके तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे पका लिया, तो पानी भी सारा ड्राई हो गया है, तो टमाटर बिल्कुल गल गए। तो अब मैं इसकी गोश्त की अच्छी तरह बुनाई कर दूँगी, बुनाई अच्छी तरीके से इसकी करूँगी मैं। जितना आप इसे भूनेंगे उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं तब तक इसे भूनूँगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता।
गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है और भी हमारा सेटल्ड हो गया है। तो अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, मैं डाल दूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला डाल के तो फिर मैं थोड़ा सा इसे भून लूंगी। बिल्कुल गोश्त हमारा गल गया है तो मसाला भी मैंने सही इसका भून लिया। तो देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप ही प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी खड़े मसाले वाले गोश्त की। तो चलिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया, तो अब मैं पानी थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि ग्रेवी सी हमारी बन जाए। अगर आपने सही मसाले वाला खाना है तो फिर आप पानी ना ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है तो इसलिए मैं पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया। तो बिल्कुल मैं अब 10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। तो मैं देती हूँ इसके ऊपर लिड, तो 10 मिनट मैं बिल्कुल आस्ता से आँच पे इसे मैं पका लूँगी। कवर करके रख दूँगी 10 मिनट पकने के लिए। तो चलिए जी मसाला बिल्कुल रेडी है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं लिड लेके तो तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तरी जब सेपरेट हो जाएगी तो फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जी कड़े मसाले वाला बीफ गोश्त हमारा रेडी है। तो डिश आउट मैंने कर दिया, देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लुक इसकी कितनी अच्छी लग रही है। देखने में भी जैसे अच्छा है तो खाने में भी यकीनन ऐसे ही अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी टेस्टी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप पसंद करेंगे मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए कल तक के लिए मुझे इजाज़त दे, दुआ में मुझे याद रखिए। कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।